हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमने आपके संग काफ़ी सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं, और वेज भी की हैं, नॉन वेज भी की हैं। और उसमें बहुत सारी ऐसी थी, स्पाइसी थी, बहुत सारी मसालेदार जिसको कहते हैं वो थी, और काफ़ी सारी ऐसी थी जिसमें कोई मसाला नहीं था। तो चलिए फिर आज फिर आपके साथ एक और ऐसी रेसिपी शेयर करते हैं, और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इतना मज़ा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए फिर चलते हैं और आज शुरू करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं एक और। देखिए रेसिपी हमारी है वो, और मतलब बनती तो है, लेकिन उसके देखिए सब कुछ बनाते हैं, सारी चीज़ जितनी भी है सब लोग बनाते हैं, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है बनाने का। तो आज जो हमारा तरीका है वो आपके संग शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फिर अब चलते हैं अपने किचन में, शुरू करते हैं अपनी कार्रवाई। तो वहीं मिलते हैं अपने किचन में, तो चलिए फिर चला जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम बना रहे हैं कटे मसाले की आलू और मटर की सब्ज़ी। तो देखिए ये हमने आलू छील के धो के रख लिए हैं, मटर तो छील ली हुई थी, रखी रहती है हमारे फ्रीज़र में। और हमें क्या करना है, लेना है हमने दो प्याज, ये साइज़ की प्याज लेनी है, एक लहसुन लेना है और एक अदरक का टुकड़ा लेना है। तो चलिए फिर इन सब चीज़ों को, ये जो चीज़ें हैं इनको बारीक बारीक काट लें, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, हो गई हमारी प्याज चॉप कर ली बारीक बारीक, और ये देखिए लहसुन और ये अदरक। और मेन एक चीज़ तो आपसे शेयर करना भूल ही गई फ्रेंड्स, जो इसमें बहुत ज़रूरी जाएगा और उसके बिना सब्ज़ी कैसे बनेगी, तो वो है ये टमाटर। तो चलिए टमाटर को भी बारीक चॉप कर लेते हैं, और ये चढ़ा दिया हमने अपना कुकर, और इसमें डालते हैं अभी तेल, फिर चलिए दिखाते हैं आपको। तो चलिए डाल देते हैं इसमें तेल, एक बड़ा स्पून तेल डाल दिया हमने इसमें। तो तेल हो गया है गरम, और इसमें डाल देते हैं प्याज जो हमने चॉप करके रखी थी। इसको भूनना है फ्रेंड्स, ये इसको ये थोड़ी ब्राउन हो जाए तो अभी भून लें। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज हो गई ब्राउन, और अब इसी समय हम डाल देंगे जो हमने चॉप किया हुआ था अदरक और लहसुन, इनको भी थोड़ा सा भूनना है बस इसके साथ, प्याज के साथ। और फ्रेंड्स आर ओ चल रहा है, सॉरी उसकी आवाज़ आ रही है, देखिए डिस्टर्बेंस होता रहता है, ध्यान नहीं रहता। और उससे पानी ले लेते हैं तो फिर वास कर रहा, देखिए अब इस पर कर दिया, अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा हल्का सा, गैस कर दी धीमी, और प्याज ऐसे ही ब्राउन करनी है फ्रेंड्स, ताकि वो फ्लेवर आएगा सब्ज़ी में वो इन्हीं तीनों चीज़ों का आएगा, प्याज अदरक और लहसुन का। तो चलिए भून लें। तो ये भी भून गया है, अदरक लहसुन और प्याज तीनों चीज़ें भून गई हैं, और जो टमाटर थे वो हमने चॉप कर लिए थे, तो इसमें टमाटर भी ऐड कर देते हैं। सॉरी, हाथ लग गया है। बस इसको मिक्स कर दिया, और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक, थोड़ा भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने डाला था प्याज टमाटर और अदरक लहसुन, वो सब भून चुका है, और इसमें मसाले के नाम पे सिर्फ नमक ऐड किया है, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पड़ेगा। और अब ऐड कर देते हैं इसमें मटर। तो चलिए मटर के साथ भी थोड़ा इसको भून लें। तो देखिए फ्रेंड्स, भून चुका सारे मसाले के साथ मटर, और अब इसमें ऐड कर देते हैं आलू, तो हमने काट के धो के रखे थे, और गैस कर देते हैं धीमी। और इसको भी थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देंगे, भून लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सारा कुछ भून गया, अब इसमें डाल देते हैं हम पानी,
पानी डाल के एक बार चला देंगे इसको, ताकि ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर हो जाए, सारा मिक्स हो जाए एक दूसरे में। और अब इसे कर देंगे हम कवर। देखिए अभी तक हमने मिर्च नहीं डाली है, तो मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरी बेटी है शाइनी, वो नहीं खाती, तो दिखाएंगे हम इसमें बाद में क्या ऐड करेंगे जो इसको फ्लेवर देगा, मिर्ची क्या डालेंगे तो आपको दिखाते हैं। तो चलिए फिर इसको कर दें कवर। इसको लगा देते हैं हम ढक्कन। तो देखिए लग गया हमारा ढक्कन, और इसके बाद विसिल। तो लग गई विसिल और गैस कर देते तेज़, और तब तक दो विसिल नहीं आ जाती, सीटी नहीं बज जाती तब तक ये बनता रहेगा। दो सीटी के बाद ये गल जाएगा, फिर दिखाते हैं आपको। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, निकल गई है स्टीम। अब निकालते हैं ढक्कन, और ये देखिए है ना ज़बरदस्त। और आप इसका कलर देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं पड़ा। देखिए आलू कितने बढ़िया तरीके से गल गए। ओहो लाइट चली गई एक। तो देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया। और देखिए और सब्ज़ी अभी गाढ़ी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये बटेरी बाद जब रख देंगे तो ये और बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो कर देते हैं गैस ऑन, और इसमें डाल देते हैं थोड़ा पानी। बस ये बॉईल हो जाए, फिर इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। तो देखिए फ्रेंड्स हो गया पानी बॉईल, और अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया जो हमने बारीक चॉप करके रखा था, फ्रेश हरा धनिया। और आपको पता है ना आजकल कितना ज़बरदस्त हरा धनिया आ रहा है मार्केट में। और आपसे कहा था कि हम दिखाएंगे, देखिए इसमें कुछ नहीं डाला ना, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर कुछ नहीं डाला। और इसको फिर हम चटपटा कैसे बनाएंगे, तो हम ये रखी हुई है ग्रीन चिलीज, और ये इसमें ऐसे ही डाल देंगे। और आप ये देखिएगा ये सब्ज़ी जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपको अलग ही मज़ा आएगा। जो ये ग्रीन चिली है गल जाएंगी थोड़ी सी। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे बंद करके रख देंगे। थोड़ी देर के बाद जब कुकर खोलते हैं तो उसके बाद ये मिर्चें जो थी जो डाली थी आपके सामने वो स्टीम में ऐसी हो गई, और ये इस समय बहुत ज़बरदस्त अभी बन के तैयार हो गई हमारी सब्ज़ी। अभी सब कंप्लीट हो गई खाने के लिए। तो चलिए बस हमने कहा आपको दिखा दें कि हरी मिर्च डालने के बाद सब्ज़ी का रंग कैसा लगता है। और देखिए जैसे आपको बताया था इसमें कोई मसाला नहीं है, कुछ नहीं है, और ये बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी है, जिसको कहना चाहिए अभी डिलीशियस। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। और देखिए आपको दिखा दिया कि हमने क्या बनाया, और बहुत ज़बरदस्त खट्टे मसाले की आलू मटर की सब्ज़ी, उसको खट्टे मसाले की कहा जाता है। और पहले भी हम आपको ऐसे दिखा चुके हैं जो वो बनाया था, नॉनवेज भी बनाया था, चिकन स्टू बनाया था और मटन स्टू बनाया था, और कैबेज और आलू मटर ये सब बनाया था बिना मसाले का, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी बिना मसाले की। तो हमने कहा आज क्यों ना ये आलू मटर की रेसिपी शेयर की जाए, क्योंकि आजकल मटर खूब मिल रही है और आलू भी खूब नए आलू आ गए हैं, तो मज़ेदार चटपटी सब्ज़ी बनेगी। और आप बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी, और आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इसको। आप पराठे के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, और बटर रोटी के संग खाइए, कैसे भी खाइए, प्लेन रोटी के संग खाइए, मज़ा आ जाएगा। और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमको बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए हमारा चैनल जॉय मिस्टीरियस गर्ल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।